भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानती है कि समाज के हर एक तबके का संरक्षण करना, उसको आगे बढ़ाने का काम करना हमारा दायित्व तो बनता है। हमने देखा है, हमें भी जब कहीं न्याय के लिए जाना होता था अधिवक्ता समुदाय के पास ही हम लोग जाकर के वहां हमारी लड़ाई में हमेशा खड़े रहते थे, हर लड़ाई में खड़े रहते थे। और इसीलिए मैं जब जाता था देखता था, उनके चेंबर को देखता था, मुझे लगता था, मैं देखता था कि भाई यह व्यक्ति दूसरों के लिए लड़ रहा है, लेकिन जब इसके चेंबर में हम लोग जाते हैं तो कितनी सुविधा के अभाव में व्यक्ति काम करता है। सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी हो, उनके चेंबर में जाओ तो दिन में ही हमें सूरज और चांद तारे दिखाई देते थे, पूरा टूटा हुआ चेंबर, और व्यक्ति तब भी काम कर रहा है, गर्मी की परवाह नहीं कर रहा, बरसात की परवाह नहीं कर रहा, शीतलहरी की परवाह नहीं कर रहा है। हमने कहा भी देखो, अगर भवन बनना है कोर्ट का तो अधिवक्ताओं के चेंबर को भी उसके साथ जोड़ो बनाने के लिए। हम बार और बेंच को अलग अलग करके क्यों देखते हैं? दोनों में संतुलन होना चाहिए। अगर बेंच का कोई भवन बन रहा है तो उसके साथ बार को भी जोड़ो, अधिवक्ताओं के चेंबर के निर्माण के लिए भी धनराशि उपलब्ध कराओ। उत्तर प्रदेश में क्या हम वर्ल्ड क्लास लॉ यूनिवर्सिटी दे सकते हैं? हमें उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आज हमने जिस प्रयागराज में नया लॉ यूनिवर्सिटी बना रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पे, वह लॉ यूनिवर्सिटी हमारा प्रयास है, उसका विजिटर देश सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, और हमारा प्रयास है कि हम उसको ऐसा लॉ यूनिवर्सिटी बनाए जो मानक बने देश के लिए, जिसमें हम अच्छे अधिवक्ताओं की एक टीम वहां के माध्यम से पैदा करें, वो एक मानक बने, एक स्टैंडर्ड सेट करें।